हेलो हेलो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्क्रैच टेक अ डे विद एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्ट 2 में आप अपना स्पेस गेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देगी तो देर किस बात की, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में आ ही गया होगा, जाकर के देख लो। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि कंस्ट्रक्ट 2 क्या है तो आई बटन में वीडियो का लिंक आ गया होगा, जाकर के देख लेना। अगर आपको नहीं पता कि कंस्ट्रक्ट 2 कैसे डाउनलोड किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में आ गया होगा, जाकर के देख लेना। सो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्ट 2 हमारा 2D गेम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपने लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, 74% लोग ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो तो देख लेते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड्स, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम अपने इवेंट शीट पर जाएंगे और यहाँ पे हम इतने अपने इवेंट्स ऐड कर चुके हैं तो हम आगे वाले इवेंट्स को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐड इवेंट पर क्लिक करना, और ऐड इवेंट पर क्लिक करने के बाद आपको बुलेट को चूज करना है और नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक कमांड मिलेगी कोलिजन में जाकर, ऑन कोलिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट, इसको आपको चूज कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप ओपन कर आ जाएगा, इसमें आपको अपने जो हमारा रॉक है उसको चूज कर लेना है। तो मैं रॉक 1 को चूज कर लेता हूँ अभी और डन पर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिंपली ऐड एक्शन पर क्लिक करना और रॉक 1 पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना और आपको यहाँ से मिस्क सेक्शन में एक कमांड मिलेगी स्पॉन अनदर ऑब्जेक्ट, इसको चूज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और आपको अपना यहाँ से बूम इफेक्ट को लेना है और ओके पर क्लिक करना है। लेयर को आपको 1 करना है और डन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, सेम इसी को हम कॉपी कर लेंगे और दोबारा से हम पेस्ट करेंगे। तो इस पर हम फ्रेंड्स डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से रॉक 1 की जगह रॉक 2 को चूज कर ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम यहाँ से रॉक 1 की जगह रॉक 2 करेंगे तो यहाँ से बैक देंगे, यहाँ से भी बैक और रॉक 2 को सिलेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ से डन। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर दो। तो प्रीव्यू हमारा ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं अपनी स्पेस की को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी बुलेट भी निकल रही है और ये हमारे जैसे ही हमारे रॉक से टच हो रहा है तो ये बूम इफेक्ट निकाल रहा है। अब आप बोलोगे ये तो हमारा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हमारे रॉक गायब होने चाहिए उसके बाद। तो सिंपली इसको कट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली रॉक कोलिजन वाले में 5th कमांड में एड एक्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सिंपली रॉक 1 आपने यहाँ पर चूज किया तो आपको यहाँ पर भी रॉक 1 चूज करना है और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन कर मिस्क सेक्शन से डिस्ट्रॉय की कमांड लेकर डन पर क्लिक कर देना है। और ऐसे फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय आपको बुलेट के लिए भी करना है, क्योंकि अगर वो हमारी बुलेट एक रॉक से टच हो जाए तो वो भी तो गायब होनी चाहिए। तो इसके बाद एड एक्शन पर क्लिक करेंगे, बुलेट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर इसमें भी हम डिस्ट्रॉय कमांड लगाकर डन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे हमें इसमें करना होगा तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हम नीचे लेकर करेंगे। बस हमें यहाँ से रॉक 1 की जगह रॉक 2 करना होगा, तो रॉक 2 कर देते हैं हम। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद रन लेआउट पर मैं दोबारा से क्लिक कर आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो बूम इफेक्ट वो अभी रह रहा है और हमारा बुलेट भी गायब हो रही है और हमारा रॉक भी गायब हो रहा है। चलिए हम बूम इफेक्ट को भी कोड कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ से कट कर लेना है और अपनी इवेंट शीट पर आ जाना है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऐड एक्शन पे दोबारा से क्लिक करना है और ऐड एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिस्टम में और यहाँ से आपको वेट की कमांड ले लेनी है। तो वेट की कमांड लेकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं 0.1 सेकेंड और डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आपको ऐड एक्शन पर क्लिक करना है और जाना है आपको बूम इफेक्ट पर और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ से भी डिस्ट्रॉय ले लेना है। तो इन दोनों कमांड को भी मैं नीचे पेस्ट करूँगा, इनमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको दोबारा से आपको रन कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ये बूम इफेक्ट भी गायब हो रहा है। पर फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत जल्दी से गायब हो रहा है, तो
इसके लिए हम सिंपली यहाँ से वेट कमांड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो 0.3 हम कर देते हैं वेट को और डन पर क्लिक करेंगे। ऐसे हम 0.3 यहाँ पर भी करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। आपको दोबारा से प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा बूम इफेक्ट भी अच्छे से काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमें लगाना है कि जो हमारे रॉक हैं वो अपने आप ही दोबारा क्रिएट होते रहे, उनका क्लोन बनता रहे। उसके लिए आपको सिंपली ऐड इवेंट पर क्लिक करना है, और ऐड इवेंट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना, और आपको टाइमर में से एक कमांड मिलेगी एवरी एक्स सेकेंड, इस पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जितने भी सेकेंड बाद आप अपने रॉक्स को नीचे ले आना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइम रख सकते हैं। तो मैं सिंपली 5 सेकेंड रख देता हूँ अभी, और डन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है एवरी 5 सेकेंड। तो अब हमें लगाना होगा कि जो हमारे रॉक है वो नीचे आए, तो चलिए उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली एड एक्शन पे क्लिक करना और सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको जनरल से एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ से अपने रॉक को चूज कर लेना है। तो रॉक 1 को चूज कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक करूंगा। लेयर पे आपको 1 कर देना है, और एक्स में आपको कर देना है रैंडम, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है 0.360, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और वाई में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और डन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, ऐसे आपको रॉक 2 के साथ करना है, तो सिंपली जी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उस पर डबल क्लिक कर यहाँ से रॉक 2 को चूज कर लूंगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको रन कर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे रॉक ऊपर से जनरेट होने स्टार्ट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे रॉक्स हों तो आप और भी रॉक्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली रॉक 1 और रॉक 2 को ही ऐड किया और उनके डुप्लीकेट बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं अपना हेल्थ का ग्लोबल वेरिएबल, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ऐड ग्लोबल वेरिएबल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको हेल्थ टाइप करना है, नंबर को आपको जितनी भी हेल्थ रखना चाहते हो उतनी रख सकते हैं, मैं 3 रखता हूँ और ओके पर क्लिक। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिंपली ऐड इवेंट पर दोबारा से क्लिक करना है, और ऐड इवेंट पर क्लिक करने के बाद आपको प्लेयर को चूज कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और ऑन कोलिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट की कमांड लेकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ से चूज कर लेना है अपने रॉक 1 को और ओके पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ जैसे हमारा प्लेयर हमारे रॉक से टच हुए तो हमारी हेल्थ एक कम हो जाए, तो ऐड एक्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे, सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और आपको ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की कमांड लेकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको हेल्थ को चूज कर लेना क्योंकि अभी तक हमने एक ही ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करा है, तो इसने ऑटोमेटिकली वही ले लिया है। वैल्यू को आपको 1 रहने देना है और डन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा जो हमने अपने प्लेयर में मैंने आपसे एक बिहेवियर ऐड करवाया था फ्लैश का, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैश बिहेवियर का हम क्या यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसका काम ये होगा जैसे हमारा प्लेयर रॉक से टच होगा तो फ्लैश करेगा, ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले हम कर लेते हैं अपने एक्शन को ऐड, तो सिंपली ऐड एक्शन पर क्लिक करेंगे और प्लेयर पर जाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, तो आपको जाना है पे फ्लैश पर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको एज ए टीज रहने देना है, बस आपको ऐसे ड्यूरेशन को 0.1 कर देना है और डन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। ओ फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको सिंपली ऐड एक्शन पर दोबारा से क्लिक करना और अपने हेल्थ को चूज कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है, और यहाँ से एक टेक्स्ट वाले ऑप्शन से एक कमांड मिलेगी सेट टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है हेल्थ और इक्वल टू, इसके बाद आपको कोमा से बाहर आना है और एंड की एक साइन लगाना है, और यहाँ से दोबारा आपको लिख देना हेल्थ। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको इसको रन कर दिखा देता हूँ, आप देखोगे कि हमारे इस रॉक से टच हो रहे हैं तो ये कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर हम इस रॉक से टच होते तो हमारी आप देखोगे हेल्थ 2 हो गई है, अब 1 हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको देखोगे कि मैंने अभी अपना रॉक 1 ही ऐड किया है, रॉक 2 अभी ऐड ही नहीं किया, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक कर आपको
कर देना है मार्क और ब्लॉक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और जब ये येलो हो जाए इसके बाद आपको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पे और की कमांड आ चुकी है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से रॉक वन की जगह रॉक टू को चूज करके ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ तो आप देखोगे हमारा हम किसी भी अगर रॉक से टच होते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो एक कम होती है। सो फ्रेंड्स अब आप बोलोगे जब हमारा ये किसी रॉक से टच ही नहीं होता तो हमारा ये हेल्थ ही क्यों दिखाता है, हमारा 3 दिखाना चाहिए ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली लेआउट 1 पर आना है और हेल्थ को चूज कर आपको यहाँ से हेल्थ इजिकल टू 3 टाइप कर एंटर पर क्लिक कर देना है। और मैं अगर आपको अब इसको रन कर दिखा दो तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे कि जब हमारी हेल्थ 0 हो जाए जब ये क्या करे, तो सिंपली इवेंट शीट पर जाते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे अपनी एक और लेयर, तो सिंपली प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेआउट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर राइट क्लिक करेंगे और ऐड लेआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कर देना है डू नॉट ऐड इवेंट शीट, क्योंकि हमें इवेंट शीट तो चाहिए ही नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे आपके सामने एक और लेआउट आ चुकी है, तो हम इसी के साइज की इसको लेआउट को डिजाइन करेंगे, तो इसी के साइज हम कॉपी करेंगे और लेआउट 2 पर पेस्ट कर देंगे और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि हमारे लेआउट का साइज भी छोटा हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारा गेम ओवर का बैकग्राउंड लगे, तो गेम ओवर का बैकग्राउंड डिजाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गेम ओवर का बैकग्राउंड मैंने लगा लिया है और अब मेरे को लाना है यहाँ पे गेम ओवर। और फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड मैंने खुद डिजाइन किया है, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली मैं गेम ओवर भी ऐड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स गेम ओवर में मैं अपना लेकर के आ चुका हूँ। अब फ्रेंड्स टाइम है अपने एक बटन को ऐड करने का, कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो वो हमें दोबारा से लेआउट 1 पर रिडायरेक्ट कर दे। तो सबसे पहले हम अपना गेम ओवर को करेंगे कोड, तो सिंपली यहाँ पर आएंगे और ऐड इवेंट पर क्लिक करेंगे और सिस्टम वाले ऑप्शन को चूज कर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से कंपेयर वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको हेल्थ को एज इट इज रहने देना है, इक्वल टू एज इट इज रहने देना है, वैल्यू को आपको 0 रहने देना है और डन पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको सिंपली ऐड एक्शन पर दोबारा क्लिक करना है और सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जनरल से एक कमांड लेनी है गो टू लेआउट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लेआउट 1 हमारी ये थी, लेआउट 2 हमारी गेम ओवर वाली थी, तो लेआउट 2 को हम चूज करेंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स तो ये तो हमारा हो चुका है कि जब हमारी हेल्थ 0 हो जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको रन कर तो मैं इसको रन कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी हेल्थ 2 हो चुकी है 1 और ये 0 होते ही हमारा डिटेक्ट कर देगा गेम ओवर वाली स्क्रीन पर। तो इसके लिए अब हम एक और बटन लगाएंगे रीस्टार्ट का, तो लेआउट 2 पर जाएंगे और यहाँ से मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ रीस्टार्ट का। फ्रेंड्स एक बटन लिया मैंने, इसके ऊपर मैं टाइप कर दूंगा अपना रीस्टार्ट, तो सिंपली मैं एक और टेक्स्ट लूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा रीस्टार्ट बटन, तो इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, तो रेड कर देता हूँ मैं भी और यहाँ से आप अपने फॉन्ट को चूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फॉन्ट भी मैंने अपना चूज कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से टाइप करना है रीस्टार्ट, तो फ्रेंड्स रीस्टार्ट मैंने टाइप करा, एंटर करूंगा और अब आप देख सकते हो रीस्टार्ट हमारा टाइप हो चुका है। तो सिंपली हम जाएंगे लेआउट 1 पर और यहाँ पर डबल क्लिक कर स्क्रॉल डाउन करेंगे और इनपुट से हम टच ऑप्शन लेकर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स टच ऑप्शन हमारा इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद इवेंट शीट 1 पर जाएंगे और ऐड इवेंट पर क्लिक कर अब आप देखोगे टच का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो टच ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से लेना है ऑन टैप ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से चूज कर लेना है ये रीस्टार्ट, ठीक है, और ओके पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है और मैं इसमें और कमांड और लगा देता हूँ, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो भी उसके ऊपर है। ठीक है तो और कमांड मैंने लगाई, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने रीस्टार्ट की जगह रीस्टार्ट बटन लूँगा और ओके पर क्लिक और डन।
सो फ्रेंड्स इतना होने के बाद सिंपली ऐड एक्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहां से आपको सिंपली सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहां से आपको वेट की कमांड लेनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां से हम करेंगे 0.2 सेकंड और डन पर क्लिक कर देंगे। और आपको सिंपली ऐड एक्शन पे दोबारा से क्लिक करना है, सिस्टम में जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और गो टू लेआउट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेआउट वन को आपको एज इट इज रहने देना और डन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं अपने लेआउट 2 में अपनी इवेंट शीट 1 को जोड़ूंगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहां पर देखोगे आप प्रॉपर्टीज में आपको इवेंट शीट मिलेगा, यहां पर अभी हमारा नन है तो इसकी जगह हम अपना इवेंट शीट 1 पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको रन करके दिखाने वाला हूं, तो सिंपली रन लेआउट पर क्लिक करेंगे और हम रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं इन्होंने हमें यहां पर रिटैग कर दिया है, तो मैं इसको कट कर देता हूं। ओ फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, आपका गेम बनके रेडी हो चुका है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर के साथ खेल सकते हैं। और अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना सीखना है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी गेम बनाना सीख जाएं। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।